मास्क वितरण कर लोगों को कोरोना से बचने के दिए संदेश। हरमाड़ा के भैरो खेजड़ा 15 नंबर बस स्टैंड पर हुआ मास्क वितरण का आयोजन। जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र के जयपुर सीकर हाईवे स्थित भैरो खेजड़ा 15 नंबर बस स्टैंड पर रविवार को आयुर्वेदिक संस्था महात्मा ज्योतिबा फूले निर्देशक द्वारा चंदालाल सैनी ने 150 मास्क वितरण किए। सैनी ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी में किस तरह जीवन यापन किया जाए, इसके प्रति जागरूक भी किया गया। अंकित ने कहा कि कोरोना का कहर पूरी दुनिया में फैलने का एकमात्र कारण जागरूकता का अभाव है था। समय पर दुनिया भर के देश जागरूक होकर चेत गए होते तो ये महामारी इतनी भयावह नहीं हो पाती। कहा कि हम अभी भी वही गलती दोहरा रहे हैं, अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो कोरोना हमें बख्शने वाला नहीं है। ऐसे देश भर हेलो में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए हमें सजग व सतर्क रहना होगा। सभी से अपील किया गया है कि वो अपने खान पान में पौष्टिक आहार के अलावा हरी सब्जियां, गिलोय का काढ़ा व विटामिन सी युक्त खाद्य सामग्री का सेवन करें, ताकि कोरोना के कहर से खुद को व खुद के परिवार को बचा सके। उन्होंने कहा कि लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए हम भी अपने स्तर से लगातार प्रयास करेंगे और मास्क वितरण का कार्य आगे भी चलेगा। इस मौके पर वार्ड पंच रामनिवास गुर्जर, रमेश कुमार चौधरी, शैतान मुकेश, रवि कालूराम गुर्जर, सीताराम चौहान, संजय चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान।